स्वागत है दोस्तों प्रणव कृष्ण में। आज हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो है स्कारलेट का सोलो थर्ड जनरेशन का साउंड कार्ड है ये, तो जल्दी से इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये डब्बे में है स्कारलेट कंपनी का, और ये काफ़ी पॉपुलर है और होम स्टूडियोज वगैरह में क्रिएटर वगैरह यूज़ करते हैं, म्यूजिशियन वगैरह भी यूज़ करते हैं जो कंपोज करते हैं या फिर प्ले करते हैं गिटार वगैरह, तो इससे होकर ये स्पीकर्स में डायरेक्ट आप प्ले कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो इसमें देखिए क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो ये रहा टाइप सी यूएसबी केबल और यूएसबी टू ए है, और ये रहा हमारा साउंड कार्ड। तो इसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोर्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह वॉइस में काफ़ी आपका बढ़िया आता है। आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं इसमें और गिटार वगैरह प्ले कर सकते हैं, कैशियो वगैरह इसमें लाइन इन से प्ले कर सकते हैं। तो नीचे में देखिए रबड़ का ग्रूमेट्स वगैरह है, और पहला जो पोर्ट है वो है आपका माइक के लिए, और उसके बगल में देखिए 48 वोल्ट लिखा हुआ है, और इधर जो है आपका डायरेक्ट मॉनिटर, और यहाँ पे हेडफोन्स के लिए है चेक। और ये रहा हमारा माइक का रिकॉर्डिंग, और ये रहा लाइन इन का रिकॉर्डिंग, और ये जो सबसे बड़ा वाला है उससे आप आउटपुट जो है स्पीकर का वो सेट कर सकते हैं। पीछे में देखिए आपका बैलेंस्ड या TRS केबल जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका स्पीकर में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। एक जो है किंगस्टन लॉक है, और नीचे में USB जो है टाइप सी वाला पोर्ट लगेगा इसमें, तो काफ़ी बढ़िया है। और इसका पावर ऑन टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, तो सिर्फ PC में लगा के देख लेते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं बता दूंगा पूरा फुल सेटअप के साथ। तो ये सही है, और अमेजोन से हम लोगों ने इसको मंगवाया है, तो पावर ऑन हो जाए सही है, ये हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं इस वीडियो में। तो USB केबल हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद देखिए ये हमारा लाइट जलना चाहिए, ये हमारा ऑन है तो सही है ये। तो ये हमारा वीडियो था दोस्तों अनबॉक्सिंग का, और इस और मैंने जैसे बताया कि डिटेल सारा सेटअप मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।